मुनव्वर की बहन अमरीन का हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत रोया है मेरा भाई। आयशा को जो करना था उसने कर लिया। तूने मेरे साथ इतना बुरा किया लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। बिग बॉस 17 का हर दिन दिलचस्प होता जा रहा है, जिसका कारण शो में बढ़ती लड़ाइयां हैं। दरअसल शो में टॉप 3 में गिने जाने वाले कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी और एक्स कंटेस्टेंट आयशा खान के बीच एक नॉमिनेशन के चलते बहस इतनी बढ़ गई कि आयशा खान ने कई खुलासे स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर कर डाले। वहीं अपने जवाब में मुनव्वर ने भी एक्स गर्लफ्रेंड नाजिला को लेकर कुछ बातों का जिक्र किया। इसके बाद एक्ट्रेस ने भी सोशल मीडिया के जरिए रिएक्शन दिया है। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं तुझे किन किन चीजों पे कॉल आउट कर सकती हूँ और बहुत कुछ बताना बाकी है, और अभी तो 2-3 बातें बताई और अब सब कुछ छीतड़े उड़ा के जाऊंगी इस शो से जब जाऊंगी, तो फिर जो होना है होए। और आप वो पर्सनल रीजन यहाँ पे यूज कर रहे हो जिस चीज के लिए आप मुझे थ्रू आउट चुप कराते रहे हो। पर्सनल रीजन यूज किए मैंने? मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी चीजें नहीं बोल रही थी। इनफ, यू आर अ लायर एंड आई विल स्पीक अबाउट इट। यू नो व्हाट यू हैव डन टू मी एंड इफ आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट इट, शट अप। बता दें बिग बॉस 17 के लेटेस्ट एपिसोड में आयशा खान ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुनव्वर फारूकी शो में आने से पहले एक जानी मानी इन्फ्लुएंसर को शादी का प्रपोज देकर आई हैं, वो भी 2 टाइमिंग करते हुए नाजिला के साथ। इसके बाद नाजिला के बारे में बात करते हुए मुनव्वर ने जवाब में कहा कि नाजिला ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और उसके बच्चों को अपनाने से भी इनकार कर दिया। उसमें अगर उसको इतना हिम्मत होती ना बोलने की तो मैं उसको मना कर चुका होता अपने लिए। इसके बाद नाजिला ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, यह शर्म की बात है कि लोग अपने बचाव के लिए झूठ बोलते हैं। इस पोस्ट के अलावा फैंस भी नाजिला और आयशा खान के सपोर्ट में खड़े हो गए, जबकि मुनव्वर के फैंस उनके साथ खड़े रहे। बता दें बिग बॉस 17 में फैमिली वीक चल रहा है, जिसमें सभी घर वालों की फैमिली से जुड़े लोग नजर आएंगे, जबकि मुनव्वर फारूक की बहन और आयशा खान के भाई की शो में एंट्री होगी। लेकिन फिलहाल तो आयशा और मुनव्वर की कहानी चर्चा में बनी है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनी टाइम्स।